आप अपने आसपास कहीं घूमने गए होंगे या फिर आप शहर एरिया में रहते हैं, सिटी एरिया में, तो आपने जो है महानतम योद्धाओं के, क्रांतिकारियों के, हमारे योद्धाओं के जो है स्टेचूज तो देखे होंगे, जिसमें वो घोड़े पर सवार रहते हैं, घोड़े पर बैठे रहते हैं। जहाँ आपने नोटिस किया होगा, यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं, फिर जो है आप तर्क संगत दिमाग रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो घोड़े पर बैठे रहते हैं, जहाँ कई घोड़ों के जो पैर है वो दोनों पैर ऊपर होते हैं। जहाँ कई मूर्तियों में, स्टेचूज में आप देखे होंगे कि एक पैर ऊपर रहते हैं, और जहाँ कई स्टेचूज में दोनों पैर ही ज़मीन पर रहते हैं, अर्थात चारों पैर उनके ज़मीन पर रहते हैं और वहाँ पर मूर्ति बनी होती है। तो क्या आपने सोचा इसका कारण क्या होगा, इसके पीछे कारण क्या होगा कि ऐसे ही बना दिया गया डिज़ाइन के लिए, अच्छे दिखने के लिए? तो बहुत सारे लोग यही सोचते, लेकिन हम आपको बताते हैं इसके पीछे बहुत गहरे रहस्य होते हैं, इसके पीछे कारण होते हैं, इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं इसके पीछे कारण क्या होता है। तो आपने देखा होगा, जैसे कि आप उदाहरण लेता हूं मैं, कि महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति आपने कहीं भी देखा होगा। आप बुंदेलखंड के आसपास एरिया में रहते, झांसी के आसपास रहते, तो आप तो देखा ही होगा कि दोनों पैर जो है घोड़े के ऊपर रहते हैं, अर्थात दोनों पैर हवा में रहते हैं। हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को जो है पीछे बांध के पीठ में वो युद्ध करती है, किससे? अंग्रेजों से। तो अर्थात इसका कारण क्या है? तो जब दोनों घोड़ों के जो पैर है वो ऊपर रहता है, इसका अर्थ ये होता है कि जो योद्धा होगा या फिर जो वीरांगना होगी, वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई है। अर्थात आप जानते होंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, अर्थात अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए थे, वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे युद्ध भूमि में ही। इस प्रकार से उनके जो घोड़े के दोनों पैर जो हवा में होते हैं, ये संकेत करते हैं कि योद्धा जो है या फिर जो वीरांगना है, ये जो है युद्ध करते हुए रणभूमि में जो है वीर गति को प्राप्त हुई है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों घोड़ों के जो पैर ऊपर है इसका कारण क्या होता है। अब आते हैं दूसरे मूर्तियों पे, जहाँ पे आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति आप फिर उसको स्क्रीन में देख रहे होंगे। जहाँ पे देखिए उसमें जो है तीन घोड़े के जो तीन पैर है वो जमीन पे है और एक पैर केवल उठा हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या आपने सोचा है? तो इसके पीछे कारण ये होता है कि जो योद्धा या तो जो है रणभूमि में चोट खाकर या फिर जो है किसी रोग से जो है वो उसकी मृत्यु होती है, तो इस प्रकार से उसका जो है मूर्ति जो है ऐसा बनाया जाता है जिसमें एक घोड़े का जो पैर है वो हवा में होता है। अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो किसी प्रकार के जो चोट लगने से या फिर जो है अचानक से हुई थी, इस प्रकार से उनको जो है मूर्ति को ऐसे बनाया जाता है, अर्थात आपातकालीन या फिर जो है अचानक से उनकी मृत्यु हुई थी, उनका उम्र नहीं हुआ था क्योंकि अल्पायु में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जहाँ महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि वो जो है धनुष का चाप खींच रहे थे तब उनके पेट में चोट लगती है, जहाँ वो जो है अब आगे चलकर जो है उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार से वो स्वर्गारोहण जाते हैं और इस प्रकार से महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हो जाती है। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उन्हें जहर दे दिया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अस्वस्थ हो चुके थे, इसी प्रकार से जो है छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्गारोहण को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आगे आते हैं हम, जहाँ पर चारों जो घोड़े के जो पैर हैं वो जमीन पर होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? क्या आपने सोचा है कि चारों जो घोड़े के पैर जो है वो जमीन पर, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि वो जो भी योद्धा है जिसका मूर्ति बना हुआ है, तो वो योद्धा जो है नेचुरल अप्राकृतिक तरीके से उसकी मृत्यु हुई है, ना वो युद्ध में मारा गया है, ना ही वो किसी घाव से या फिर जो है आपातकालीन उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से अर्थात प्राकृतिक तरीके से उसकी मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार से जो तीन प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं, जहाँ दोनों घोड़ों के दोनों पैर हवा में होते हैं अर्थात वो वीर गति को प्राप्त हुआ युद्ध भूमि लड़ते हुए, और जहाँ एक पैर ऊपर होते हैं अर्थात वो चोट से या फिर जो घायल होकर जो है अचानक से उसकी मृत्यु हुई है, और तीसरा तरीका होता है जो कि चारों पैर जो है ज़मीन पर होते हैं, इसका अर्थ होता है कि वो प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ जीवन जीते हुए उसकी मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि घोड़े के जो है मूर्ति होती तीन प्रकार, उसका कारण क्या है और इसके पीछे ऐसे क्यों बनाए जाते हैं, आप समझ गए होंगे। तो क्या आप इसके बारे में जानते थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप क्या और क्या जानना चाहते हैं और क्या वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।